अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज जुनैद सलीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू वेरी मच। मेरी जिंदगी कुछ जिस किस्म की थी कि मैंने कुछ भी प्लान किया हो तो वो प्लान होता नहीं था, कुछ और तीसरा प्लान हो जाता था। सो आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू आपका, क्योंकि आपका मैथ्स कॉम में मास्टर्स है, फिर आपने तकरीबन 2 डेकेड्स जो हैं वो जर्नलिज्म में गुजारे, एक एंड डेकेड अकाउंट। और बढ़ा लें, जी, एक डेकेड और बढ़ा लें जी, बढ़ के डेढ़ डेढ़ 1.5 डेकेड और बढ़ा लें जी। बूढ़े हो गए हैं जी, अब तो मेरा ख्याल है कि अराउंड 30-35 साल हो गए हैं जी। माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं वो कही थी, ऑल ऑफ अ सडन और जुनैद इससे मेरी उम्र उम्र का भी अंदाजा लगा लें आप जी। सर, उम्र का किसी चीज से कोई ताल्लुक नहीं है। बड़ा ताल्लुक है जी, हमें ये सब बातें बनी हुई है कि उमराज की रखे, उमराज बड़ा कुछ रखे हुआ है। एग्री। जाहिर है, अब एक्सपीरियंस है और जो उम्र के साथ आता है उसका तो कोई मैच नहीं। बट ऑल ऑफ अ सडन मैं कही थी कि जुनैद सलीम नाउ इन अ कॉमेडी शो, तो ये कैसे हुआ? एक्चुअली मैं इसको जी कॉमेडी शो नहीं समझता, लोग मुझे कॉमेडियन बेशक समझते रहे, मैं इसको कॉमेडी शो नहीं समझता। ये एक मतलब सोशियो पॉलिटिकल स्टायर शो है, ठीक मैं है, इसको हमेशा ऐसे ही डिफाइन करता हूँ, ये स्टायर शो है और ये पूरी दुनिया में ऐसे शोज मौजूद हैं। कॉमेडी उसका एक एलिमेंट है, उसका एक पार्ट एंड पार्सल है उसका, लेकिन बेसिकली इट्स अ सोशियो पॉलिटिकल स्टाइल शो, और वो बहुत फर्क है जिसके जरिए आप अपनी जो बात कहना चाहते हैं वो डाइजेस्टेबल अंदाज में कह सकते हैं, अदरवाइज आपके लिए बहुत सारी बातें कहना मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये भी एक हकीकत है कि उस शो में बहुत सारी बातें ऐसी भी हैं जो अनकही रह जाती हैं, तो वो उस शो में मुमकिन नहीं है कहनी, और बहुत सारी बातें हैं जो वैसे नहीं कही जा सकती लेकिन उस शो में कही जा सकती हैं। तो ये उस बिल्कुल, शो में एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं जी। आई एग्री टोटली के कॉमेडियंस जो है बेसिकली, जिनकी हिस्से मजाक तेज होती है, वो बहुत सेंसिटिव ह्यूमन बीइंग्स भी होते हैं और बहुत खूबसूरत तरीके से कई दफा बहुत मुश्किल बात भी कही जा सकती है। जिस तरह आपने देखा कि जर्नलिस्ट के ऊपर भी ज्यादतियां और जेलों में, और FIR, फिर आजम सवाती, फिर शहबाज गिल, और अभी आपने कल खान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखी होगी, तो जावेद अली, जिस तरह की बातें, मतलब बरहना करके, और साथ अब उसकी बेगम के बारे में भी जो भी बातें, मतलब आप सोच नहीं सकते कि हमारी सोसाइटी जो है वो किस तरफ जा रही है। आप क्या देखते हैं कि ये क्या हालात हैं, क्या मोरालिटी है, क्या वैल्यूज हैं, ये चीजें किस तरफ आप देखते हैं? देखें नविदा, जो हालात है ना जी, तो कोई भी जो इस मुल्क की बेहतरी के लिए सोच रहा है, किसी अच्छी तब्दीली के लिए सोच रहा है, जो इस मुताफन किस्म के ताफन ज्यादा सियासी जो माहौल है, कल्चर है, कई दहाइयों से उससे तंग आए हुए लोग जो हैं, वो कुछ शायद ये सूरत हाल देख के मायूसी का शिकार है। लेकिन मैं अगर आपको दिल की बात बताऊं तो मुझे कतई तौर पे कोई मायूसी नहीं है, और ये सब कुछ जो है ये मेरे लिए कोई गैर मतवक्को भी नहीं था। मैं बिल्कुल इसकी भी तवक्को कर रहा था, मैं इससे ज्यादा की भी तवक्को कर रहा हूं। और पहली बात तो ये है कि ये क्यों है, सीधी बात है कि जिस एक बंदे ने पूरे निजाम को, फरसूदा निजाम को ललकारा है, उसको जड़ से उखाड़ने का अज़्म किया है, वो उस दरख्त के साथ जुड़े हुए जितने भी मफादात हैं, उसकी जड़ें जितनी गहरी हैं, तो वो दरख्त को जब हिलाया है उस एक बंदे ने, तो जाहिर है कि जितने वो मफादात के घोंसले उस दरख्त पे बने हुए हैं ना जी, वो सारे चीखे हैं, वो दरिंदे परिंदे चरिंदे सब चीख रहे हैं इस वक्त, ठीक है, जो इस दरख्त से इस चूस रहे थे, इस दरख्त को, इस खूबसूरत दरख्त को चूस रहे थे, तो उनकी जड़ें हिलाई हैं, तो हिलाया है पूरा, झंझोड़ा है इस दरख्त को, तो जाहिर है चीखें तो मारेंगे, और चीखें भी मारेंगे और उस बंदे को भी वो तंग करेंगे, और उस बंदे के साथ वाबस्ता लोगों को भी तंग करेंगे, उसके लिए नरम गोशा रखने वालों को भी तंग करेंगे, इससे ज्यादा करेंगे, इससे ज्यादा करेंगे। लेकिन मैं मायूसी का शिकार क्यों नहीं हूं,
मैं कोई डायलॉग बाजी नहीं कर रहा, कोई मकालमे बाजी नहीं कर रहा, मैं दिल से ये समझता हूँ कि जब भी इतनी खूबसूरत सहर होती है तो उससे पहले जो रात होती है वो भी बड़ी तारीक होती है, वो भी बहुत खौफनाक होती है, डराने वाली होती है, डरावनी रात होती है। तो कभी ऐसे नहीं होता कि इतनी बड़ी तब्दीली आपको कोई प्लेट में रख के दे दे, इसके लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। और वो बंदा जो टांग पे गोलियां खा के बैठा हुआ है वो बिलावजह ये जंग नहीं लड़ रहा, तो जाहिर है कि इस वक्त उसको इन इन क्या इन हालात से क्या इससे शायद 10 गुना ज्यादा सख्त हालात से भी गुजरना पड़े। और वजह वही जैसे मैंने बताया कि इतने मफादात हैं, इतने गहरे मफादात हैं इस पूरे माफिया के, और सारे माफियाज और माफियाज के जो डॉन हैं, जो बॉसेस हैं, वो सब इकट्ठे हो गए हुए हैं, और इससे पहले कभी इतनी बड़ी तादाद में इकट्ठ हुआ नहीं था उनका, इसलिए कि इतना मगर बड़ा चैलेंज भी वो उनको अब दरपेश नहीं था। तो बिल्कुल क्लियर डिवाइड बन गई है। मैं यही बात कही थी कि आप माशाल्लाह इतने अकॉम्प्लिश्ड पोजीशन पे हैं, आपका शो इतना सक्सेसफुल है, आप हाउस होल्ड नेम बन चुके हैं, लोग आपको इतना एडमायर करते हैं। उस प्लेटफॉर्म पे बैठ के अभी हम देख रहे थे, देखते आ रहे हैं कि आप बहुत खुले अंदाज में इमरान खान को अब सपोर्ट कर रहे हैं और बहुत बोल्ड बातें आप कर रहे हैं। वो डर जो है, जो अक्सर हम लोगों में देखते हैं, वो आपके अंदर नजर नहीं आता, जिस 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 तरह आप इस वक्त खान साहब को देखिए जी, सपोर्ट कर रहे हैं। मैं नवीदे साहब एक बात बता दूं कि वो ऑब्वियसली जब इंसान किसी चैनल पे होता है तो उस चैनल की भी अपनी एक पॉलिसी होती है, अपनी लिमिटेशंस होती हैं, उस प्रोग्राम का एक फॉर्मेट है जिसमें मैं जाहिर है कि एक हद तक बात कर सकता हूँ, लेकिन मेरे दिल के अंदर जो बात है वो जाहिर है कि वो कहने के लिए मैं किसी वो उस अंदाज में नहीं कर सकता जिस तरह मैं किसी जाती प्लेटफॉर्म पे कर सकता हूँ, कि अगर मुझे कोई सेक्रीफाइस भी करना पड़ेगा तो मेरी जात मुतासर हो, मैं किसी दूसरे कोई इदारा उससे मेरा मुतासर ना हो। तो इसलिए अभी हमने कुछ दिन पहले मेरा इंसाफ जो न्यूज़पेपर था, ये हम कोई 20 साल से 22 साल से निकाल रहे थे, उसको अब हमने डिजिटलाइज किया और उस पर हर तरह का वही रंग लेके आने की कोशिश कर रहे हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, उसको इंसाफ डिजिटल के नाम से, कि हम उसमें कॉमेडी भी होगी और थोड़ा बहुत उसमें व्लॉगिंग भी होगी, सब कुछ होगा, उस पर हम ज्यादा जिम्मेदारी के साथ और ज्यादा खुल के इजहार कर सकते हैं अपना, इसलिए कि उसके नुकसानात भी मैं बेयर करूंगा, उससे जो भी होगा वो फिर मेरी जात पे आएगा। तो पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये जो आप सवाल कर रहे हैं ना कि आपको डर, ये डर खौफ वाली बात जहन में रखें कि जी जब इमरान रियाज को पकड़ा था तो उस वक्त भी, उससे पहले जो मैक्सिमम जो कर गुजरे, मौत ही डरावनी चीज होती है ना, मौत से ज्यादा खौफनाक चीज तो नहीं होती ना जी कोई, क्यों होती है तो बताएं मुझे, बड़ों बड़ों की तौबा निकल जाती है, बड़ों बड़ों की चीखें निकल जाती है शरीफ मौत सामने देख के, मौत से हाँ वो तो एक मैं वही अर्ज करने लगा हूं, तो अरशद शरीफ शहीद ने मौत का खौफ खत्म कर दिया, ये उसका एहसान है इस कम्युनिटी पे, जर्नलिज्म की पूरी कम्युनिटी पे, इस मैदान में आने वाले नौजवानों के लिए उसकी जात का एहसान है, उसकी सोच का एहसान है, उसके नजरिए का एहसान है हम पे, और हम उसका कर्ज कभी नहीं दे सकते कि मैं जो कर रहा हूं मैं अपने लिए नहीं कर रहा, मैं अपने बच्चों के लिए कर रहा हूं, मैं बड़ा खुदगर्ज हूं, मैंने जो सहना था सह लिया, लेकिन मैं अपने बच्चों के लिए ये नहीं ऐसा मुल्क दे के जाना चाहता, ठीक है, जहां पे उनको नौकरी के लिए सिफारिश, कोई काम करें तो सिफारिश, और उनके राइट्स ना हो और वो धक्के खाते फिरें, उनको सड़कें ना मिले, मतलब कुछ भी ना मिले, उनको जगह जगह सिफारिश और बाप का नाम और ये और वो सिफार, मतलब इस तरह का। तो मेरी ख्वाहिश है कि मैं अगेन यही कह रहा हूँ कि ये सेल्फिश अप्रोच है, मेरी मेरी अप्रोच बच्चों के लिए, अगली नस्ल के लिए है, हम नहीं देख सके तो अगली नस्ल तो देख ले। तो इसी तरह जो एहसान है अरशद शरीफ शहीद का कि उसने खौफ का खात्मा कर दिया, उसने जिंदगी का सबसे बड़ा जो खौफ है वो मौत है, जिंदगी का सबसे बड़ा जो खौफ है वो मौत होती है, उसने मौत का डर उतार दिया, उसने मौत को, मैंने पहले भी अपने व्लॉग में किया था, उसने मौत को महबूबा बना दिया,
तो अगर आज मुझसे पूछे कि कोई बंदा कहे ना, तो मैं हल्फन आपको कहता हूँ कि मैं चूम के उसको गले लगाऊंगा मौत को, कि यार मौत इतनी खूबसूरत होती है। अभी मैंने उसके लिए, अरशद शरीफ के लिए एक नज्म पढ़ी है, सिर्फ एक नज्म पढ़ी है, तो लोग यकीन करें, माएं, बूढ़ी माएं मेरा माथा चूम रही थी उस दिन एक जगह पे कि बेटा तुमने हक अदा कर दिया। तो अरशद शरीफ ने कितनी मोहब्बत समेटी होगी, जरा देखें, सोचें। बिल्कुल, और लोगों ने इसी तरह अरशद शरीफ को रिस्पॉन्ड किया है, और आप कह लें कि वो एक सुनहरा बाब जो है ना हमारे जर्नलिज्म में, क्योंकि मेरा भी ताल्लुक मास कॉम से रहा है, और वो हमने हमारी हमने जॉब हमने है। नविदा कभी सोचा था, नविदा, हमने अपने जर्नलिज्म में कभी सोचा था कि हम कभी, एक एक होता है मार पड़ना, ठीक है, वो दो चपेड़े थाने में जाके मार दिए, उल्टा लटका दिया, तो उससे भी एक मुहज्जब माशरे में उससे भी बहुत, और किसी को बरना करना, फिर उसकी ये जो नई बकवासियात सुन रहे हैं कि उसकी बीवी को बरना करने की धमकियां देना और करना, बुजुर्गों को बरना करना, ये सब कुछ क्या है? तो अब डर उतरता जा रहा है, लोगों ने कहा अच्छा यार ये है, मतलब तुमने मारना है, तो पहली चपेट का खौफ होता है पहले, फिर उसके बिल्कुल बाद जो वो पहला थप्पड़ पड़ता है, कहता है यार चलो ठीक है मारो फिर, ठीक है, सारों ने मारे खाई हैं, मुझे शर्म से डूब मरना चाहिए कि अगर मैं डर जाऊं तो मैं कहूं जी कि 75 साल वो जो बाबा सवाती है वो 3 दफा मारे खा आया जाके, तो जब भी मार खा के बाहर आता है उससे ज्यादा शदीद लहजे में बात करता है, तो फिर डूब बिल्कुल, मरना चाहिए जुनैद सलीम को कि अगर वो डर जाए। ये तो तो बात ही ये जो हमारे साथ। खौफ है, ये जो खौफ का खात्मा है। अच्छा फिर मैं आपको एक और बात आपको अर्ज कर दूं कि ये जो खान एक टर्म बोलता है, खौफ का बुत तोड़ दो, ठीक है, पूरा पूरा सियासी फलसफा ये है, ये मुल्क जो था, ये रियासत जो थी, ये हुकूमत जो थी, ये जबर का जो निजाम था आज तक का, ये खौफ के बुत पे कायम था। अच्छा खौफ का बुत क्यों, बड़ी जबरदस्त कॉइन की हुई है ये टर्म, मैं कहता हूं जी कि इससे बड़ा सियासी फलसफा है ही कोई नहीं, कि खौफ का बुत, पहली बात तो ये है कि खौफ, खौफ खत्म कर दो भी खान साहब कह सकते थे, नहीं, उन्होंने कहा खौफ का बुत। इस पर अगर गौर करें, खौफ का बुत क्यों कहा, बुत इसलिए कहा कि बुत झूठ 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 पर मबनी होता है, सच्चा सच्चा तो अल्लाह है, सच्चा तो खुदा है मेरा, ठीक है, बुत के पुजारी, बुत वो खौफ है, ठीक है, वो खौफ झूठ पर बुनियाद करता है, ठीक है, इसलिए खान ने कहा कि खौफ का बुत, अगला लमा, अगला जुमला, अगला लफ्ज क्या बोला, तोड़ दो, तोड़ तोड़ दो। अभी इस मुल्क में खौफ का बुत टूटा नहीं है, खौफ के बुत को कंकरियां लग रही हैं, खौफ का बुत टूटा नहीं है अभी, खौफ का बुत उस दिन टूटेगा जिस दिन खल्के खुदा लाखों की तादाद में बाहर आके अपना हक मांगेगी और हक हक गसब करने वालों को गिरेबान से पकड़ेगी, उस दिन खौफ का बुत टूटेगा, अभी खौफ के बुत को कंकरियां लग रही हैं। तो बिल्कुल, बड़ी आप खूबसूरत टर्म है, अगर हम समझ जाए खौफ का बुत क्या है और इसके टूटने का क्या मतलब है, तो बात समझ आ जाती है सारी। बिल्कुल सर, इसी खौफ के बुत से आगे बात अगर मैं करूं, कि आप आखिर में, आपसे सवाल है कि आप कब देख रहे हैं इलेक्शंस और किसको जीतता हुआ देख रहे हैं? वो टूट जाएगा? देखें जी, जीतता हुआ तो आप जैसी जर्नलिस्ट को ये पूछना नहीं चाहिए कि जीतता हुआ किसको देख रहे हैं, मतलब अगर जीतता हुआ किसी और को कोई देख सकता हो तो इलेक्शन ना हो जाए, तो अगर जीत जिताना मुमकिन भी हो तो इलेक्शन ना हो जाए, तो ये तो एक इररेलेवेंट बात है कि जीतता हुआ किसको देख रहे हैं, जीतता हुआ मतलब किसको देखना है मैंने। पर ये अच्छा बता दे, अब इलेक्शन होते वो जो तो आप कह देख रहे हैं ना जी इलेक्शन हो रहे हैं, बिल्कुल होंगे, लोग कह रहे हैं जी मार्शल लॉ का डर है, खौफ है, फलां हो जाएगा, फलां हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा, इलेक्शन होंगे, इलेक्शन होंगे, इलेक्शन होंगे, कौन करवाएगा, कहते नहीं सारे इदारे तो एक तरफ खड़े हो गए, सारे इदारे एक तरफ, इलेक्शन करवाने वाला इदारा ही कोई नहीं है, अवाम से बड़ा कोई इदारा नहीं है, खलके खुदा से बड़ा कोई इदारा नहीं है, सब इदारों में एक इदारा भारी है और वो खलके खुदा है, वो बिल्कुल नकारा बिल्कुल खुदा है, वो खलके खुदा है, उससे बड़ा कोई इदारा नहीं है, खौफ का बुत इंशाल्लाह टूट गया तो वो इदारा अपनी रिट बनवा लेगा,
चले जी, इंशाल्लाह। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया सर, इट वॉज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। मैं खान साहब की प्रोटेक्शन की लिए आया होता हूँ। जब जिस्म लोहा बन जाता है तो लाठी कोई असर नहीं करती सर। अभी कितने को मारेंगे? अगर 10 पुलिस मारेगी तो 1000 आवाम उन्हें मारेगी। तो इस बार ये सोच भी ना है कि इमरान खान को अरेस्ट करेंगे, ये नाम ही उनके आगे ना लगाए। पाकिस्तान का मतलब क्या?